जी किटकैट्स का रैक आ गया यहाँ पे। ये कितने कितने की हैं? ये 221 किटकैट्स, हर तरह तरह की किटकैट्स लगी हुई हैं। मार्स के क्या रेट हैं भाई? तो गिर गई नीचे ना। 162 180। ₹240 की है ये टॉप ब्राउन। ऐसे इसका कई फ्लेवर आते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल एक ही रखा हुआ है। इसमें ब्लैक वाली भी आती है ना, इसमें ब्लैक वाली भी आती है ना। हाँ ये रही। अच्छा वाइट ब्लैक, हाँ तीन है इसमें, 408 408। अच्छा इसकी यही सेम प्राइस है, ये तो वही। तो ये पान वाले की दुकान पर भी मिलने लगी, इतना ही आम हो गई डेयरी मिल्क, मतलब कोई मैं आ ही नहीं रहा इसका। अच्छा नीचे इधर आना ज़रा, ये नीचे जो है ये क्या है, डोस हैं क्या है ये? पिज़्ज़ा अच्छा पिज़्ज़ा के ऊपर जो रखने वाले हैं वो है ये। इसकी प्राइसेस दो दो। अच्छा 132 का है ये छोटा वाला, शवरमा क्या आ गए। ये छोटे छोटे भी हैं जो बेकरी वगैरह में नहीं रखे होते, वो लग रहा है ये 99। अच्छा जी पिज़्ज़ा की, अच्छा यहाँ पे वैरायटी मैंने दिखाई है। इससे पहले जो मैंने मुख्तलिफ मार्ट में आप लोगों को विजिट करवाया है वहाँ पे पिज़्ज़ा नहीं थे, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा की अच्छी कलेक्शन है। चलें जी, ये पूरा रैक जो है जूसेस चॉकलेट्स और पिज़्ज़ा का छोटा सा है, बाकी आगे चलते रहते हैं और चीज़ें देखते रहते हैं। ये कुछ नई टाइप की लग रही है, चॉकलेट फ्लेक 294 की है। ये कौन कौन से नूडल्स आ रहे हैं? अच्छा ये वहाँ पे भी लगे हुए थे, चेस प्लस जो अभी नया खुला है ना, आप लोगों ने अगर वीडियो देखी हो चेस प्लस गुलिस्तान जौहर वाली, तो वहाँ पे बड़ी इसकी ज़बरदस्त कलेक्शन है, नया है वो भी। आज इसका तीसरा दिन है, आज 19 मार्च है ना, तो 17 को ओपनिंग हुई थी। ये क्या क्या है? ये सारे कोरियन नूडल्स हैं, ये सारे कोरियन, ये सब बाहर से आए हैं, इंपोर्टेड हैं ये सारे। अच्छा भाई प्राइसेस भी इसके यहाँ पे मेंशन है, बड़े महंगे महंगे हैं। 457 का एक पैकेट है इतना सा। अच्छा तो ये तो खैर एक ही कंपनी के लग रहे हैं मुझे, मुख्तलिफ फ्लेवर यहाँ पे लग रहे हैं, तो वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। चलें, अरे यहाँ पर ये डब्बे S&Dates के नाम से जो एक ब्रांड है ना, इसकी पूरी ब्रांडिंग मैंने की है, डिज़ाइनिंग वगैरह एक एक चीज़ पता है। हाँ ये डब्बा मेरे हाथ का बना हुआ है, मतलब इसके डब्बे की जो पैकेजिंग का जो डिज़ाइन है ना, ये सब S&Dates वालों की। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी एक बता रहा हूँ आपको कि ये सारे डिज़ाइनिंग पर्पल ये सब मैंने डिज़ाइन किए होते हैं। इत्तेफाक़ देखो यहाँ पर, यहाँ नज़र आ गया, ये लोकल क्लाइंट हैं हमारे, तो इस तरह की अक्सर चीज़ें नज़र आ जाती हैं। कभी निकलो मार्केटिंग में आप लोगों के लिए कर रहा होता हूँ, तो ये सब चीज़ें नज़र आ ही रही होती हैं। अच्छा इसकी प्राइसेस वगैरह सब यहाँ पे मेंशन है, अंबर के हैं, अजवा के हैं। अच्छा यही डेट्स जो है ना, ये वहाँ पे भी चेज प्लस जो भी नया खुला है, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी डेट्स की वैरायटी है। अजवा मुख्तलिफ किस्म किस्म की वहाँ पर मैंने दिखाई हैं आप लोगों को, वो देखिएगा। मेरे ख्याल ये भी वहाँ थी ही ना वालों की, तो ये देख कर एकदम रुक गया यार कि मतलब मेरी मार्केटिंग देख रहे हैं आप लोग, मेरी डिज़ाइनिंग माशाल्लाह। ऐसे थंबनेल्स जो मैं बनाता हूँ उससे आप लोगों को आइडिया होता होगा कि एक डिज़ाइनर जो एक कोई काम करता है उससे अलग ही प्रोफेशनल एक लुक आता है। बहरहाल चलें आगे बढ़ते हैं, मैं अपनी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, बस यहाँ पे आप लोग एक लुक देखें यहाँ का। हैजरी सुपरमार्केट के नाम से जो है ये मॉल है, मार्ट कह सकते हैं आप इसको, और लोकेशन बड़ी आसान है। सैफी हॉस्पिटल से जब आगे की तरफ जा रहे होंगे ना करीमाबाद की साइड पर, तो आपको सीधे हाथ पे पड़ेगा ये बच्चा पार्टी के बिल्कुल बराबर में बना हुआ है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं, ये जल्दी जल्दी आप लोग देखते रहें, रेट्स जो है ना सबके यहाँ पे लिखे हुए हैं। ड्राई फ्रूट्स की भी मैंने ठीक ठाक कलेक्शन बनाई है, तो नुमाइश पे जो बाज़ार लगता है ड्राई फ्रूट्स का, वहाँ पर मैं गया था, वहाँ की वीडियो बड़ी आप लोगों ने पसंद की, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया उस पर। ड्राई फ्रूट्स की वैसे मैंने कई बनाई हैं, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। अलासिफ़ की जो मशहूर बोटी है ना, दुम्बा बोटी, वो खाने गए थे तो वहाँ पर पूरी भरी पड़ी हुई है मार्केट ड्राई फ्रूट्स की। ईरानी प्रोडक्ट्स बहुत हैं वहाँ पर, तो वो वहाँ पर भी मैंने कवर किया था, तो वो भी आप लोग देखिएगा जाकर। अब आ गए सारे शहद वाला पूरा सेक्शन है,
सलमान वालों का है ये, कितना है देख लें, ये कितना लीटर है, 1.5 केजी का है भाई ये 1.5 किलो का है, 1713 का। ये है ये 2 किलो का है, 2 किलो से तो ज़्यादा का लग रहा है मुझे ये, अच्छा खासा है ये 4.2 इसमें है, 4.2 केजी है ये, 3400 का। ये मुझे रेट सही नहीं लग रहा है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 2 केजी और यहाँ जो है 4.5 किलो वाला लगा हुआ है, 4.25 किलो का। खैर वैसे इन्होंने काफ़ी रेट्स अच्छे लगाए हैं, प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है। जिस तरह से उकास में हम लोग गए थे वहाँ पर कुछ में रेट्स थे कुछ में नहीं थे, तो लेकिन यहाँ पर जो है ना एक प्रॉपर एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स के लिहाज से इन्होंने रेट्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो उकास की मार्केट आप लोग देख सकते हैं, उकास की कई ब्रांचेज हैं कराची में, तो वो देखिएगा आप लोग। बताने का मकसद ये कि जिसका जो रास्ता है जिसका जो इलाका है वो अपने इलाके के हिसाब से करीब वाले मार्ट को तरजीह दे सकता है अगर आप लोग मार्ट से शॉपिंग करते हैं, ख़रीदारी करते हैं। और दूसरी बात ये कि आप लोग रेट्स कंपेयर भी कर सकते हैं। ये सारी चटनियाँ नहीं नहीं ये चंकी वालों की, वो ये स्ट्रॉबेरी जैम जेलीज मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं। सर अचार का मुझे आइडिया नहीं है, इनके स्टाफ से पूछें आप। ये नेशनल वालों को पूरा इन्होंने वो लगाया हुआ है और नीचे सलमान वालों की, मतलब मुख्तलिफ यहाँ पे फ्लेवर हैं। मिचेस की कहाँ लगी हुई है जी? मिचेस की ऊपर है।